अस्सलाम वालेकुम एंड लेट्स गेट राइटिंग. आज हम बात करेंगे पोइट्री की. अब पोइट्री जो है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल आर्ट फॉर्म्स दैट देयर इज़. एंड आई से आर्ट विद ग्रेट क्लैरिटी ऑफ माइंड दैट आई वॉन्ट टू यूज़ दिस वर्ड आर्ट कम्पेयर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव राइटिंग. पोइट्री में सबसे ज़्यादा आर्ट इस्तेमाल हुआ जाता है, यानी कि अपना एक सेल्फ स्टाइल, अपना एक एक्सप्रेशन. और जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी हो सकती है वो पोइट्री की फॉर्म में होती है. सो इफ़ वी लुक एट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ और डेफिनेशन ऑफ पोइट्री और हाउ पीपल डिफाइन इट, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स इज़ व्हाट एमिली डिकिंसन सेड अबाउट पोइट्री. इफ़ आई रीड अ बुक, इट मेक्स माई बॉडी सो कोल्ड नो फायर एवर कैन वार्म मी. आई नो दैट दैट इज़ पोइट्री. एंड डिलन थॉमस डिफाइंड पोइट्री दिस वे: poetry is what makes me laugh or cry or yawn, what makes my toenails twinkle, what makes me want to do this or that or nothing. yani ke beintaha aapke andar se emotions jo hain wo aa rahe hote hain ya nikal rahe hote hain. to phir jab hum poetry ki aage baat karte hain, define karne ki koshish karte hain, to hame ye nazar aata hai ki jo iska ek central point wo ye hai ki it uses less words to convey more feelings. जितनी ज़्यादा हम इकोनमी इस्तेमाल करते हैं पोइट्री के लिए या लिखने में, पोइटिक एक्सप्रेशन में, उतनी ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि हम फीलिंग्स उसके साथ कन्वे करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज़ ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो. ये छोटी सी लाइन है मगर इसमें आपने पूरी दुनिया की खूबसूरती जज्ब कर दिए. इस दुनिया में जो जो चीज़ें आपको खूबसूरत लगती हैं, और आपने एक बहुत बड़ी बात कर दी कि दुनिया जो है वो खूबसूरती के बारे में है, उस इससे इसके अलावा कोई सच्चाई नहीं है. और ये आपने तीन सेंटेंसेस मैक्सिमम में शायर ने कह दी. तो इसीलिए जब हम पोइट्री पढ़ते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर ये कहते हैं कि शायर ने कहा, और फिर एक लंबी तशरीह जो है उसकी चलती चली जाती है. मगर जो पोइट्री इटसेल्फ होती है वो बहुत छोटी और सक्सिंक्ट होती है. पोइट्री इज़ आर्टिस्टिकली रेंडरिंग वर्ड्स टुगेदर, यानी कि उसमें इंतहा से ज़्यादा इंटेंस इमोशन होता है और एक एक्सपीरियंस होता है जो रीडर जो है वो अपने छः के छः सेंसेस इस्तेमाल करके और कभी कभार अपनी सातवीं सेंस इस्तेमाल करके फील कर रहा होता है. और उसको जिस तरह हम लिखते हैं, जिस तरह फॉर्म करते हैं, जिस तरह हम बात करते हैं, वो एक पोएटिक तरीका हो जाता है, एक आर्टिस्टिक फॉर्म लेता है और उसमें डेप्थ ऑफ मीनिंग आना शुरू हो जाती है. सो आई विल शेयर सम टाइप्स ऑफ पोएट्री विद यू एंड यू कैन लेटर ऑन रिसर्च मोर अबाउट देम इफ़ यू वॉन्ट, बट फॉर नाउ आई विल जस्ट शेयर द डिफरेंट टाइप्स दैट वी हैव इन पोएट्री. हमारे पास फ्री वर्स है, यानी कि इसमें कोई रिदम, राइम का मीटर, इन चीज़ों का ख्याल नहीं होता, एक फ्री वर्स के तौर पे चलता है. हाइकू, हाइकू जो है ये एक जापानीज फॉर्म ऑफ पोइट्री है और ये ख़ास तरीके से लिखी जाती है. इसका रिदम राइम होता है. आप देखेंगे ऑनलाइन तो आपको इसके बारे में ज़्यादा पता चल जाएगा इफ़ दिस इज़ समथिंग दैट इंटरेस्ट्स यू. सोनेट्स इज़ द मोस्ट यूज्ड एंड स्पेशली फॉर रोमांटिक नॉवल्स. जब हम वी वॉन्ट टू टेल समबडी वी लव देम, देन वी यूज़ दिस सोनेट फॉर्मैट. ब्लैंक वर्स, इसमें भी आपके पास थोड़े से फॉर्म होता है मगर बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं होता, मगर आप जिस तरह लिखते हैं, लफ्ज़ों को जोड़ते हैं, वो पोएटिक होते हैं. लिमरिक, लिमरिक इज़ अ फ़नी फॉर्म ऑफ पोएट्री, और लिमरिक के बारे में हम आगे जाके ज़रा एक अलग जो हमारा कोर्स आउटलाइन है उसमें भी बात करेंगे, क्योंकि आजकल क्रिएटिव राइटिंग की जॉब्स जो हैं वो लिमरिक में काफ़ी मिलते हैं. टानका, विच इज़ अनदर फॉर्म, कि खै इज दिस इज़ अ French way of writing. Sestina, Villanelle, acrostic, narrative and epic couplets. Epic couplets is basically about historic novels and history को हम poetic तरीके से बताते हैं. इसी तरह narrative का भी यही है कि हम narrative को, यानी कि कहानी को, एक poetic तरीके से बताते हैं. और शेक्सपियर जो है वो narrative और epic couplet बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. Wordsworth जो है वो sonnets
भी इस्तेमाल करते हैं और एपिक कपलेट्स या नैरेटिव भी इस्तेमाल करते हैं. तो हमारे जो बहुत सारे इंग्लिश या उर्दू के मशहूर शायर हैं वो इसी इन्हीं फॉर्म्स में से कोई ना कोई फॉर्म इस्तेमाल करते हुए पोइट्री लिखते हैं. एज ए फ्रीलांसर पोइट्री यू विल हैव टू यूज़ यू कैन यूज़ इन मेनी वेज़. जिंगल्स लिखने के लिए, लिमरिक्स लिखने के लिए बहुत सारे जॉब्स हैं. पोइट्री को एडिट करने के लिए बहुत सारे जॉब्स हैं. आपके जो ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं या जो और इंटरनेट पे कंटेंट लिखा जाता है, सोशल मीडिया के लिए लिखा जाता है, उसमें पोइट्री बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है. तो राइम एंड रिदम का ख्याल रखिए. जो मुख्तलिफ किस्म के पोएटिक फॉर्म्स हैं उसमें ए बी के फॉर्म्स होते हैं, ए बी बी के फॉर्म्स होते हैं. ये सारी चीज़ों का टोन, टोनालिटी, लैंग्वेज, खूबसूरती, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और पोइट्री लिखें अपनी ज़िंदगी से एक्सपीरियंसेस को लेकर, और उन्हीं को एक पोएटिक फॉर्म में लेकर लिखिएगा. तो आपको पोइट्री से फ़ायदा भी होगा और आगे जॉब्स में भी आपको हेल्प करेगा. थैंक यू.